एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब वो विजिट किया है जारी बात है इंडिया का जो बड़ा का जिससे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है और वो विजिट ये है कि उसमें अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा खतरनाक है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है एक बात और यह है कि आज से दो साल पहले मेरा ख्याल है कि जापनीज फॉरन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो पता चला था कि नौ साल बाद जैपनीज फॉरन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं नौ साल बाद उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे और वो कर्जे हम वापस ना कर सके और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं लोन नहीं देते और मजे की बात यह है कि इस हवाले से मैंने मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले दो एक दिन पहले आई थिंक 16 मार्च को कि जैपनीज फॉरेन ऑफिस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो सत्तर साल के ताल्लुक हैं उसके ऊपर बात की जाए उसमें मैं अकेला नहीं था सार्क ममालक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे भारत से भी थे श्रीलंका मालदीव भूटान जितने भी ममालक थे उन सबको बुलाया गया था नेपाल से Uh, सबको बुलाया गया और uh, हमने वहां पे बात की कि कौन कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान के एक सत्तर साल हो गए थे अब अगर आप पैरा एट पढ़े जो कि ज्वाइंट जो बायोलैटरल स्टेटमेंट आई है अगर आप पढ़ें कि उन्नीस मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है उन्होंने कहा जी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां पूरी दुनिया में है उसको खत्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रिट्रेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग ट्वेंटी सिक्स इलेवन मुंबई एंड पठान कोल अपॉन पाकिस्तान टू टेक रेजुलट एंड इिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेरिस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग आउट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड कंप्लाई फुली विदरनेशनल कमिटमेंट इंक्लूडिंग एफ टी एफ समझ रहे हैं आप पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए क्योंकि हमारे अंदर के मिसाइल इतने हम हमारे अंदर तो ऐसे अनारकी फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनारकी का तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है जारी बात है पता तो चल गया अब ये देखें कि जपैन जो है भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशत गर्दी कराता और हमने डॉसियर भेजे कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की ज्वाइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है कोई एक मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाहमूद कुरेशी साहब हमें बता सके क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई इधर ये हो गया उधर वो हो गया देखिए वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं जैपनीज प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के हालात है जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी किसे साथ टोक्यो में तो मैंने कहा पूछे सुनाए मैंने कहा जी कैसे ताल्लुक आता है पाकिस्तान के जापान के क्या चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली तो उसमें से एक चीज ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विजिट हो लेकिन वो हाई लेवल विजिट नहीं हो पा रहे मतलब क्या कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए क्योंकि पाकिस्तान से तो अलहदुल्ला फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे लेकिन वहां से कोई नहीं आता दैट्स द पॉइंट और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुक जो है उस लेवल पर नहीं अब मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रहे हैं जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि बयालीस अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है। जो कि तकरीबन तकरीबन फाइव ट्रिलियन येन बनता है फाइव ट्रिलियन येन ये कोई छोटी स्टेट ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है ये ये बहुत बड़ा पैसा हमारे पास तो वो पचास अरब डॉलर के साठ अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं असम पूरी दुनिया से और ये देखें कि वो बयालीस अरब डॉलर की बात कर रहे हैं

खुदारा इंडो पैसिफिक पे फोकस करो खुदारा देखो वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी वहां पे जाकर इंगेज करो अपने आप को आज एक बहुत बड़ा एज है कि पचहत्तर साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट देखनी पड़ रही हैं हमें कोई बंदा बता सकता है हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते किसी को पता ही नहीं है ये सवाल भी करना है कि नहीं करना मजे की बात देखें जो आप अगर सिर्फ वो स्टेटमेंट देख लें जो 19-20 मार्च की ये जो साहब के जो विजिट की हुई है ठीक है जी प्रॉपर वो बात करते हैं जी स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना भी है जारी बात है हम जी शेड प्रिंस